फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने आज यहां पर डिस्कस करने वाला हूं कि अगर हम किसी भी गुजरात यूनिवर्सिटी या किसी भी एडमिशन के लिए हम फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसकी केबी कौन से डॉक्यूमेंट, उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हमें पड़ सकती है जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी का। तब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बारे में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो हमें यहाँ पर बता देता है। मैं इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि गुजरात यूनिवर्सिटी में जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो उसका फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर फ़ोटो की साइज़ कितनी चाहिए। फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWC की सर्टिफिकेट और एनी अदर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट। इन 6 डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फ़ोटो में हम देख लेते हैं कि फ़ोटो की साइज़ कितनी होनी चाहिए। 10 KB से 50 KB तक की हमारी साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो की, ये दोनों के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 5 KB से 30 KB तक होनी चाहिए और मार्कशीट की जो साइज़ है वो 100 KB से 400 KB के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कास्ट के हो, ST ST OBC, इन तीनों में सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी भी साइज़ 100 KB से 400 KB तक होनी चाहिए। इसके बाद EWC सर्टिफिकेट, अदर बैकवर्ड क्लास से अगर आप आते हैं तो इसकी भी साइज़ आपको, उसका डॉक्यूमेंट आपको 100 KB से 400 KB तक होना चाहिए सर्टिफिकेट। इसके बाद एनी अदर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, उसकी भी साइज़ 100 KB से 400 KB तक होनी चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, बाकी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आप कहीं गलती ना कर दे इसमें। इसके बाद ये देख लीजिए, फ़ोटो 10 KB, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट पाड़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो अगर इम्पोर्टेंट लगा है आपको तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।